খরকের বিজ্ঞান মেলা শিক্ষক পিছা পচা টাকা চাঁদা খর্বা ব্লকের বিজ্ঞান মেলা শিক্ষক দেবে মুন্ড পিছা পচাশ টাকা আদায় তিন দিন বিজেপি প্রধান শিক্ষক মানুষ এ প্রকার অলিখিত ব্লক শিক্ষা এ প্রকার জোর আদায় নীতি শিক্ষক মহল কেবল অসন্তোষ করে না বরং এ প্রকার ছোট ছোট চাঁদা আদায় অভ্যাস ব্লক শিক্ষা কার্যালয় ভিতরে পাঁচ সাত হাজার লাঞ্চ নেওয়া ভাল বড় দুর্নীতি উৎসাহিত নিয়ম অনুসারে ব্লক স্তরীয় বিজ্ঞান মেলাপরি সরকার টঙ্কা ধার্য সমগ্র শিক্ষা অন্তর্গত রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার অভিযান এবং ব্লক স্তরীয় বা বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীকে মিলিতভাবে করা গলা অক্টোবর সতেরো তারিখে ও সেপা সব জেলা শিক্ষাধিকারী চিঠি করেছিল সেই সরকার কত টাকা দেবে ও কমিটি বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শিত হব সেই সব প্রকার গাইডলাইন দিয়ে যাই নভেম্বর পাঁচ তারিখ সুদ্ধা প্রত্যেক ব্লকরে বিজ্ঞান প্রদর্শনী ব্লক শিক্ষাধিকারী প্রত্যক্ষ তত্ত্ব শেষ করতে কোগলা সেইপি तीन दिन तेज़ एने बिजेपी हाईस्कल प्रधान शिक्षक मान बैठक बस अनुदान बाद प्रत्येक विद्यालय शिक्षक शिक्षय मुंड पिछा पचास टाँग लक्ष्य आदायक क्या अपडेट सब स्कूल दिवस पालन जिन बाध्यतामूलको स्कूल समस्त जितिय दिवस उत्सव में समस्त शिक्षक शिक्षित्री सह प्रधान शिक्षक उस्थित रे बाध्यतामूलक कि जिला शिक्षा अधिकारी अधीन स्कूल मानक चिठी कर दिन तेज़ गंजाम जिला शिक्षा अधिकारी पक्ष स्कूल एने चिट्ठी होता যে কুয়া যা সুভাষচন্দ্র বোষ বি সুদন্দ সাইঙ্ক জয়ন্তী সাধারণতন্ত্র দিবস বসন্ত পঞ্চমী পঞ্চায়েতরাজ দিবস স্বাধীনতা দিবস গুরুদিবস গণেশ পূজা গান্ধী জয়ন্তী শিশু দিবস আদি স্কুলের পান করা পাসে সম শিক্ষক শিক্ষিত উপস্থিত যদি কি অবহেলা কার্যানুষ্ঠান গঞ্জাম জেলা জেলার পরবর্তী গভর্নমেন্ট অফ হোম डेपुटी सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर देखिप रही बलराम सिंह सिंह रही जीक बर्तमान एसएमई डिपार्टमेंटर थे जीक बर्तमान जावेन्ू एंड डीएम डिपार्टमेंट को लक्ष्मीकांत मिश्र जीकरेसन डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड ओएस डिपार्टमेंट को जाऊँ रंजित कुमार दास जी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रेल्ले बर्तमान एसएमई डिपार्टमेंट को जाऊँ विचित्र मोहन पट्टनायक स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट डिप्टमेंट्रे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जा सुखदेव दास जी की कोअपरेसन डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड वाई एस डिपार्टमेंट को तो निश्चित देखीपुर थे तेरह जन को ट्रांसफर देखा परवर्त अपडेट होम डिपार्टमेंट्रु आउ गोटे नोटिफिकेसन रही है षोलह एगार चबिश हज़ार छःशार अंडर सेक्रेटरी ट्रांसफर और पोस्ट दि जाएगी डिपार्टमेंट मेनसन कर राजकिशोर राउत जी लिपार्टमेंटर पी एंड सी डिपार्टमेंट बासिल राजेन्द्र टप्पो पी एंड सी डिपार्टमेंट लिपार्टमेंट गुरुचंद्र मुंडा जीक टूरीजम डिपार्टमेंट्र जे एंड पीज डिपार्टमेंट को जाती गदाधर नायक जे कि जे एंड पी जी डिपार्टमेंट्र टूरी डिपार्टमेंट को जाती भरतचंद्र नायक जे कि स्टिल एंड माइन्स डिपार्टमेंट व्वर्क डिपार्टमेंट को जाती विभूति भूषण पंडा जे पीजी रू होम विभूति रंजन साहू स्टिल माइन्स वाटर रिसोर्स हरप्रसाद प्रसाद वाटर रिसोर्स पी पीए डिपार्टमेंट और कमलाकांत खटुआ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्रु

फाइनासु वर्क डिपार्टमेंट प्रदीप कुमार विश्वास होम डिपार्टमेंट जी एंड पी जी डिपार्टमेंट तो निश्चित देखते हैं एमती अणचाश जनकर रही ट्रांसफर जो मैंने कि गवर्नमेंट लेवल थिले अंडर सेक्रेटरी देखा परवर्ती अपडेट गवर्नमेंट अफ ओा तरफ नोटिफिकेशन रही तो निश्चित देख पार्थे षोलह एगार चौबीस छब्याल हजार छः सौ उन्नीस फलोईंग अफिर्स अफ ओएसएस कैडर जो वर्किंग होती टेम्परारि पोस्ट आर हिअर बाय ट्रांसफर्ड

तो रिटायरमेंट एज इंक्रीज दो हज़ार चौबीस में रहिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में दो साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा होगा और वे अब बासठ साल का साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सकें और अपने अनुभव का लाभ देश दे को दे सकें रिटायरमेंट एज को जा बासठी को ये जो पी डी एफ टी देखी पार्टी एखा जा दर्शाऊँ सूचाऊँची आनुष्ठानिक भाव बर्तमान सुधा अफिशियाल चिठी आसी ना कि बासठी वर्ष खूब हो बोली वृद्धि यह सूचाऊँच इस फैसले से निकले केवल न केवल कर्मचारी का लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी दो साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे यमित भी सरकार चिंता कर जो पेंशन जितेबाड़ जड़े रिटायर्ड हो जा बहुत एबुल थी कैपेबल थे बयस अधिक रिटायर्ड कर दिया दिशा से बसिकेनस ना चाहती किमी काम कले काम पेनसन ने दरमा ने दुई वर्ष पर पेनसन नेबे सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही और अब कैबिनेट की बैठक में ईस मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट यहाँ को मंजूरी दी जाइए जहाँ शुना ये फैसला एक अप्रिल दुईार पचीस से लागू होगा एक अप्रिल दुईार पचिश्रु लागू मतलब है कि एक अप्रैल से 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा एक अप्रैल पाखु जो मैंने रिटायर है होते समय यह लागू किंतु मार्च एकत्र हज़ार पचिश पर्यंत यह लागू तो निश्चित भी गोटे बड़ खबर रही तो निश्चित देखु ये रही योजना का नाम रही रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना लागू होने की तिथि रही एक अप्रैल दुई हजार पचीस रिटायरमेंट आय में बढ़ोतरी दो वर्ष नए रिटायरमेंट आयु रही बासठी वर्ष लाभार्थी सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लाभ दो साल अतिरिक्त सेवा का मौका उद्देश्य रही अनुभवी कर्मचारियों का सेवाओं का लाभ लेना एक्सपीरियस लोक सेवा नाप लाभ रिटायरमेंट आय बढ़ाने के कारण कारण कौन हो पाए सरकार ने यह फैसला कई कारणों से लिया है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत आयु बढ़िए उन्नीस में जहां यह सिक्सटी वर्ष थी वहीं 2024 में बढ़कर 72.24 वर्ष हो गए है एवरेज मृत्युर समय उन्नीस सौ अठानबे महारे जहाँ एकसठ दशमिक चारे बास्तर दशमिक दुई चार ये गोटे प्रमुख कारण अनुभवी कर्मचारियों का जरूरत सरकार को लेना लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों को सेवा का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है सरकार को एमती अनुभव हो एक 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 एक्सपीरियंस लोगों अधिक आवश्यकता रही आ सबार बड़ो कथा रही पेंशन बोझ कम करना रिटायरमेंट आय बढ़ने से पेंशन पर होने वाला खर्च कम होगा क्योंकि कर्मचारी दो साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे प्रशासनिक सुधार अनुभवी कर्मचारियों को रहने के प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और काम की गुणवत्ता में सुधार रहेगा किन कर्मचारियों का मिलेगा लाभ यह फैसला सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा इसमें शामिल है सभी मंत्रालय और विभागों का कर्मचारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी स्वायत्त संस्थाओं का कर्मचारी एवं केंद्रीय के विश्वविद्यालय शिक्षक और कर्मचारी हालांकि ये फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अलग से फैसला ले सकती है केंद्रीय कर्मचारियों के पे यहाँ लागू रही राज्य सरकार चाहे ले लागू कर पारवे रिटायरमेंट आय बढ़ाने का प्रभाव कौन रहे इस फैसले में के कोई खतरा में पर प्रभाव पड़ेगा कर्मचारियों पर प्रभाव अतिरिक्त तो आय कर्मचारियों को दो साल अतिरिक्त वेतन मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी दो वर्ष अधिक दौड़ा पाइबे बड़ा पेंशन कोष दो साल अधिक जगदन पेंशन फंड बड़ा होगा जिसमें रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी तीन लाभ रही जदि दुई साल बढ़ इनक्रिमे सहित दरमा बढ़ाव पेनस काम करने का मौका मिल सरकार पर प्रभाव रही पेनसन बज कम होगा रिटायरमेंट साल बाद होने से पेनसन पर खर्च कम होगा अनुभवी कर्मचारियों का सेवा ले सकते प्रतिरक्षण खर्च में कमी नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के खर्च कम हो जाएगा नवा कर्मचारी आस ट्रेनिंग रे खर्च होब जीवा पर प्रभाव रही नौकरी के अवसर में कमी दो साल तक नई भर्तियां कम होंगी प्रमोशन में डेरी मौजूदा कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में दो साल की डेरी हो सकती है रिटायरमेंट आय बढ़ाने के फायदे कण कूधा ताको मध्य नजर रखा अनुभव एक्सपीरियंस लोक मिले आर्थिक लाभ रुई दुई बर्ष आमर एम्प्लयी मानाई पेंशन फंड वृद्धि हम दुई साल मान दुई बर्ष अधन पी एनपीएस रे सरकारी खर्च कमी पेंशन पर खर्च कम होगा प्रशासन के निरंतरता रिटायरमेंट आय बढ़ाने के नुकसान कौन होगा जुवा मैने चाकरी सब बड़ कथा प्रमोशन में डेरी प्रमोशन मिलना नहीं कहीं दु बर्ष पर्यटन कई कहीं कि रिटायर्ड हबारना बुजुर्ग कर्मचारी समस्या है कुछ कर्मचारियों को की उम्र के बाद काम करने के स्वास्थ्य समाज दिक्कत हो सकती है नए विचारों की कभी युवा कर्मचारियों को किसी कमी से नए कर्म विचारों और नवाचार में कमी आ सकती है बेरोजगारी में वृद्धि बेकार समस्या वृद्धि हो तो निश्चित देखते तो ये गोटे बड़ खबर आँची देखा परवर्ती अपडेट